Hello everyone, my name is Nandini Sharma and here I am with the most important questions on heredity for the upcoming class 10th examination. और exam के point of view से ये questions बहुत 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 ज़्यादा important हैं, तो मैं आपको recommend करूँगी कि आप इन questions को एक बार ज़रूर पढ़ें. और जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितना मेरे को experience है, उस हिसाब से मैं आपको इतनी assurity दे सकती हूँ कि इन questions को अगर आप कर लेते हो तो आपको exam में अच्छे marks, good marks सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो आज के हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं हेरिडिटी के ऊपर, ये दो पार्ट्स में कवर होंगे. फर्स्ट पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे और एक और पार्ट आएगा इसका जो कि अपकमिंग डेज में आएगा. तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट करके भी मुझे बताना. और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये सब सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि आप लोगों के इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो थ्योरी बेस्ड है. आपको थ्योरिटिकल वे में आंसर्स करने हैं, एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है. तो उसी हिसाब से ये जो पूरा आपका सेट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये डिजाइन किया गया है. तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. टू पिंक कलर फ्लावर ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन वन रेड, टू पिंक एंड वन व्हाइट फ्लावर. ठीक है, तीन तरह की आपको प्रोजिनी मिली है, एक रेड मिली है, दो पिंक मिली है और एक व्हाइट मिली है. तो आपको पूछा है ये किस तरह का क्रॉस है जिसमें आपको तीन अलग अलग तरह की प्रोजिनी मिली है. क्योंकि जो हमारे पेरेंट हैं इन दोनों प्लांट्स के वो क्या है, ये भी पिंक है. क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, टू पिंक कलर फ्लावर, मतलब कि दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, पिंक कलर के हैं. इनके बीच में जो क्रॉसिंग कराई है तो इनसे आपको जो प्रोजिनी मिल रही है वो एक मिल रही है रेड, दो मिल रही है पिंक और एक मिल रही है व्हाइट. ठीक है, अब इसके आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको पूछा है इनमें से किस तरह का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ये है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही ना हो. क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो आपको रिकॉम्बिनेशन या नए कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते ही नहीं. ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो आपको नए नए कॉम्बिनेशन देखने के लिए थोड़ी मिलते हैं. यहाँ पे आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं और साथ में कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस भी दिख रहे हैं. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो तो आप पहले एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन. अब आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन और दिखते हैं. इसमें तो आपको पता ही है कि एक क्रॉस पॉलिनेशन ही ऐसा या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपको क्या होते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स मिल सकते हैं. क्यों क्यों मिल सकते हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. पॉलिनेशन, पॉलिनेशन टॉपिक वैसे बहुत ही इजी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो हम इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमारा फ्लावर जो है प्लांट में, पेड़ों के केस में फ्लावर ही होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी के अंदर सारा रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर. फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं इस तरीके से, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, नीचे ऐसे फिलामेंट निकला रहता है ना. तो ये जो होती है ये क्या होते हैं, एंथर, और जो ये नीचे आपको एक स्टॉक दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट. तो ये पार्ट होते हैं मेल में, मतलब जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन. इसी तरीके से एक फीमेल होती है, फीमेल फ्लावर का जो पार्ट होता है उसमें क्या होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन चीजें होती हैं. ठीक है ना, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन चीजें होती हैं जो मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाती हैं. और इन तीन पार्ट्स को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्पेल. अब क्या होता है पॉलिनेशन में कि जो मेल फ्लावर है, ठीक है, जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वहां से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स को आप ये समझो मेल गैमीट्स. जैसे ह्यूमंस में गैमीट्स होते हैं स्पर्म, इसी तरीके से प्लांट्स में जो गैमीट्स हैं वो हैं पॉलन ग्रेन्स. तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये मेल के एंथर से कहां जाएगा, फीमेल के ओवरी के पास तक पहुंचेगा. इनके पैसेज के थ्रू स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ ओवरी के पास तक पहुंचता है और ओवरी में जो एग है वहां पे जाके फ्यूज होता है. ओवरी का ये एग है, ये आया इसके पास पॉलन ग्रेन, इन दोनों का फ्यूजन हुआ और तब आपको आगे प्रोजिनी मिलती है. ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता कैसे है. पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का मेल पार्ट, इसी फ्लावर का फीमेल पार्ट, दोनों में आपस में क्रॉसिंग हुई है, तो ये सारी चीजें एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर यही सेम चीज दो फ्लावर्स के बीच में हो कि एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है,
इस फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो इस फ्लावर के फीमेल पार्ट के साथ में फ्यूजन कर रहा है, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये दो तरीके से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों फ्लावर्स एक ही पेड़ के पार्ट हो, एक ही पेड़ पे ये दो फ्लावर्स लग रहे हो तो इन दोनों में भी ये होगा तब भी क्रॉस पॉलिनेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पेड़ का फ्लावर जो है वो दूसरे पेड़ के फ्लावर के साथ में पॉलिनेट हो रहा है तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी यहाँ पे कि पॉलिनेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और आपको अपने क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों है। ठीक है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या है, द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन विच इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बॉर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। वही बात यहाँ पर भी बोली गई है कि ऐसा क्रॉस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं प्लांट के, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं। ठीक है, आपको अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने देखा हो फीमेल पार्ट में तो उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है फीमेल पार्ट का, ठीक है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा है इसके ऊपर जाएगा एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है, और वो अलग अलग होंगे, समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट जो भी हमने बात करी कि अलग अलग पेड़ों में होगा तभी तो उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही एकमात्र ऐसा यहाँ पे प्रोसेस है, ऐसी क्रॉसिंग है जिसमें आपको ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद में मैंने बाकी चीजों की भी डेफिनेशन दे दी है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है एक ही फ्लावर में, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग देख ही चुके हैं क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। पहले इसका एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ, फिर हम इसके प्रोसेस में आएंगे कि कैसे काम करता है। तो अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक है, ओवरी है, और भी सिंपलेस्ट वे में बोले तो, ठीक है, ओवरी है। अब आप लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता वो अब पता चल जाएगा कि इसमें तीन तरह की सेल्स यहाँ पे प्लेस्ड होती हैं, ठीक है, तीन तरह की यहां होती हैं और दो बीच में होते हैं, ठीक है, और ये डबल लेयर्ड होता है, इसके बाहर एक और लेयर होती है। अब इन दो लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो दोनों लेयर्स हैं इन्हें बोलते हैं इंटिग्यूमेंट्स, ठीक है, ओके। अब ये क्या होती हैं, ये जो नीचे दो सेल्स हैं और ये जो सेल है ये वाली मिडल सेल कहलाती है एग सेल, ठीक है, एग सेल, और ये जो दो सेल हैं इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये जो ऊपर तीन सेल्स आपको दिख रही हैं ये तीनों की तीनों कहलाती हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और ये जो बीच में तो आपको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं या फिर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है आपका जो एम्ब्रियो से है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका। अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है, पोलन ग्रेन्स ये जो आपका सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है स्टिग्मा पे आपका सबसे पहले आके वो लैंड हुए, ठीक है, उसके बाद में वहां से पोलन ट्यूब निकलती है, ठीक है, वहां से क्या होती है पोलन ट्यूब निकलती है। वो पोलन ट्यूब का काम करती है ये जो आपके, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, एक सेकेंड। तो क्या होता है, ये जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां से गिरते हैं यहां से एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है, ठीक है, पॉलन ट्यूब अराइज होती है। ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है, ठीक है, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिस वन, ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन।
तो आपका जो पॉलन ग्रेन होता है वो यहाँ माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर एंटर करता है, ठीक है। सिनर्जिड्स ये जो दो सेल्स हैं ये इसको हेल्प करती हैं पॉलन ग्रेन को, गैमीट को बेसिकली अंदर एंटर करने के लिए। एक और चीज यहीं पे जो आपको याद रखनी है कि पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमीट आते हैं वो दो आते हैं नंबर्स में, मतलब दो मेल गैमीट्स आते हैं। दोनों मेल गैमीट्स अंदर गए, अंदर जाने के बाद सिनर्जिड्स जो है उन्होंने हेल्प करी उसको एग सेल के पास तक ले जाने के लिए, पहुंचाने में। उसके बाद में क्या होगा, जब वो एग सेल तक पहुंच जाएगी तो ये एक मेल गैमीट जाके एग सेल के साथ फ्यूज होगा, वहां पे जायगोट बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा, जायगोट बना देगा। अब ये जो दूसरा यहाँ पे मेल गैमीट बचता है ये जाता है और ये जाके किसके साथ फ्यूज होता है, इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये दो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में फ्यूज हुई, इनके साथ में जाकर जो तीसरा जो दूसरा मेल गैमीट है वो गया, उसने फ्यूजन किया और यहाँ पे आपका एक कंडीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं पेन। पेन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये जो होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है नंबर में, 3n होता है। 3n क्यों होता है, क्योंकि मेल गैमीट भी आया है अपना लेके एन और ये दोनों भी एन एन है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तीनों ने मिलके क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है नंबर में जो पेन होता है, और पेन का काम होता है जो जायगोट डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको हेल्प करना उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार आपका पेन बना है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है यहाँ पे, और एक बार आपको यहाँ पे जायगोट बन रहा है। तो बिकॉज दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही सेम चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी है कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक विद टू मेल गैमीट्स। It occurs when one male nuclei fuses with the egg cell to form a zygote and the other fuses with two pollen nuclei to cause triple fusion. These two type of fertilization take place at the same time in the ovule of the plant. तो ये एक ही time पे हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है। एक और चीज, इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजों का फ्यूजन हुआ है आपस में इसलिए, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर चलता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एजर्शन दे रखा है और उसका एक रीजन दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखा है उसका रीजन दे रखा है, और आपको पूछा है कि ये रीजन इस एजर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन बींग्स विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही और शी इनहेरिट फ्रॉम द फादर। इन्होंने बोला है कि किसी भी बच्चे का जो सेक्स होता है वो कैसे पता चलता है, वो डिपेंड करता है कि उसने अपने पापा से कौन से क्रोमोसोम इनहेरिट किए हैं, एक्स लिया है या वाई लिया है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ये इन्होंने अजर्शन बोला है। रीजन क्या दिया इन्होंने, द चाइल्ड हु इनहेरिटेड, ठीक है, द चाइल्ड हु इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, while a child who inherit Y chromosome from the father would be a boy. इन्होंने रीजन इस चीज का ये दिया है कि अगर किसी बच्चे ने X chromosome inherit किया है अपने पापा से तो वो girl बनेगी, और अगर उसने Y chromosome inherit किया है तो वो boy बनेगा, ठीक है, ये दो चीजें उसने बोली हैं। अब एक सेकेंड, तो अब क्या है आगे, तो अब इसमें आपको बताना है कि क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आप फर्स्ट पढ़ोगे अजर्शन और फिर आप रीजन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही चीजें सही है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे का क्या सेक्स होगा वो चीज तभी बता सकते हैं जब उसके फादर से किस तरह का क्रोमोसोम आया है वो पता हो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के पास में एक्स क्रोमोसोम आता है फादर से तो वो गर्ल ही बनेगी, और अगर वाई आता है तो वो बॉय ही बनेगा, तो ये चीज भी सही है। तो यहाँ पे अजर्शन और रीजन दोनों ही सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है, और जो रीजन दिया गया है इस अजर्शन के लिए वो भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यही चीज होती है कि अगर एक्स आया तो बॉय बनेगा, गर्ल बनेगी, अगर वाई आया तो बॉय बनेगा, तो ये एकदम करेक्ट है। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द
नंबर के आपको कितने नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है आपको उसी अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है, हमें पता है ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, याद रखना पेयर्स होते हैं 23, और अगर आप बिना पेयर के देख रहे हो तो 46 होते हैं नंबर्स में, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इन 23 क्रोमोसोम में से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम और बचे हुए 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, बचे हुए 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम, दैट मींस कि टोटल नंबर में कितने हैं 23, टोटल नंबर में है 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स हैं और सिर्फ एक है जो सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब जो या तो एक्स कैरी करेगा या वाई कैरी करेगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ही पेयर है। मेन में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, पेयर इज मिसमैच्ड पेयर, एक्स वाई, एक्स इज नॉर्मल साइज, वाई शॉर्टर देन एक्स क्रोमोसोम, ये एक अलग चीज होती है। अभी मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी एक्स और वाई का साइज का क्या केस है, ऑल्दो ये आप लोगों के में है नहीं आप लोगों के लेवल के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देखेंगे। ह्यूमन फीमेल्स जो होती है उनमें सिर्फ एक ही मिलता है आपको एक्सएक्स क्रोमोसोम, उनमें और कोई चांसेस ही नहीं है क्रोमोसोम के, लेकिन जो मेल होते हैं उनमें एक्स भी मिल सकता है वाई भी मिल सकता है, उनके पास कॉम्बिनेशन रहता है एक्स और वाई का, ठीक है, तो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। मेल जो है वो दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जबकि फीमेल्स केवल एक ही ओवम प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। एक चाइल्ड जो इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम अ फादर वुड बी अ गर्ल ऑफ कोर्स, और एक जिसको वाई मिलता है वो आपका क्या होगा, बॉय होगा, यहाँ पे एक एक्स कम कर लेना, ये एक्स एक्स है खाली, ठीक है। तो ये आपको दो कंडीशंस दिखाई हुई हैं। इससे पहले आप एक चीज समझिए, हमारी जो एक मदर होती है या एक फीमेल होती है उसके पास में क्रोमोसोम सिर्फ एक्स एक्स है, अब इसके पास में सिर्फ एक्स है तो कुछ भी कंडीशन हो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो इसके पास से तो सिर्फ एक्स ही जाएगा, जब है ही एक्स तो एक्स ही जाएगा, लेकिन मेल के केस में एक्स और वाई दोनों होते हैं तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक्स भी जा सकता है और यहाँ से वाई भी जा सकता है। तो कौन हुआ डिसाइडिंग पेरेंट, कौन हुआ कि बच्चे का जो सेक्स है वो क्या होगा, वो हुआ फादर, ठीक है, मेल पेरेंट हुआ, क्योंकि उसी के पास दो तरह के आपके क्या है क्रोमोसोम या स्पर्म, या फिर आप बोल सकते हो कि दो तरह की इसके पास में कैपेबिलिटीज है कि ये एक्स भी भेज सकता है ये वाई भी भेज सकता है। एक्स भेजेगा तो ऑफकोर्स एक गर्ल बनेगी और अगर वाई भेजेगा तो ऑफकोर्स एक मेल बनेगा, मैन बनेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे फीमेल से एक्स आया और मेल ने अपना एक्स दिया तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक्स एक्स, और एक्स एक्स कौन सा था, फीमेल का। अगर यहाँ से एक्स आया फीमेल के पास से और मेल के पास से वाई आया तब इस कंडीशन में क्या बनेगा, बॉय होगा, क्यों, क्योंकि एक्स वाई हेट्रोजाइगस हो गया, अलग अलग हो गए। यही सेम चीज आपको इन डायग्राम्स में या इन जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे भी बताई गई है कि मेल गैमीट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एक्स एक वाई, जबकि फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं, इस चीज को आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। फीमेल गैमीट सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं और मेल गैमीट जो होते हैं वो एक्स और वाई दोनों होते हैं। ये आई डोंट नो ये टेबल गलत कैसे हो गई, चलो हम लोग इसको दोबारा से करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, एक्स एक्स, यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स एक्स बनेगी और यहाँ पे एक्स और वाई बनेगी, ठीक है। तो दोनों के इक्वल चांसेस हैं, एक्स एक्स भी हो सकती है एक्स वाई भी हो सकती है, दोनों के ही इक्वल चांसेस है यहाँ पे शो होने के लिए, ठीक है। एक्स वाई होगा तो मेल होगा और अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि आप ये अजर्शन कैसे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, चाहे तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मेंडल ने थर्ड क्वेश्चन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। मेंडल टूक टॉल पी प्लांट्स एंड शॉर्ट पी प्लांट्स एंड प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, वॉट डिड मेंडल ऑब्जर्व इन द F1 प्रोजेनी। मेंडल ने क्या किया, उसने बड़े पी प्लांट लिए, ठीक है, और उसने छोटे पी प्लांट लिए जिसको डॉर्फ बोला था, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो F1 प्रोजेनी बनी क्रॉस फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया उस F1 प्रोजेनी में,
तो मेंडल का ये जो क्रॉस होता है इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्रॉसिंग करी थी, ठीक है। सिर्फ उन्होंने क्या कैरेक्टर लिया है, हाइट। अब हाइट में टॉल भी हो सकता है, बड़ी हाइट भी हो सकती है, और डॉर्फ भी हो सकता है यानी कि शॉर्ट हाइट भी हो सकती है, पर कैरेक्टर तो एक ही है ना। हाइट उसके अपीयरेंस ही तो दो फॉर्म में हो गई है, कैरेक्टर एक ही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने क्या किया, एक पेरेंट वन है जिसको उन्होंने कैपिटल टी लिया है, एक पेरेंट टू है जिसको स्मॉल टी लिया है, यानी कि एक टॉल कैरेक्टर है, एक डॉर्फ कैरेक्टर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये पेरेंट है, पेरेंट से गैमीट्स आएंगे, स्पर्म आएगा, एग आएगा, तभी तो फ्यूजन होगा। तो यहां से जो गैमीट आया है दोनों सेम है, तो हम लोग कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी दोनों सेम है, हम कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे दो कैरेक्टर होते, सपोज हाइट के साथ साथ अगर वो यहाँ पे सपोज कलर भी ले लेते, ठीक है, कलर भी ले लेते, ग्रीन और येलो, हम सब मतलब एज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, तो फिर हम यहाँ पे एक एक नहीं लिखते, फिर हमें हाइट का अलग लिखना होता और जो कलर का है उसको अलग लिखना होता। तो ये चीज याद रखना कि जब होमोजाइगस कंडीशन हो यानी कि एक जैसे ही प्रेजेंट हो तभी आप उसको एक जगह लिख सकते हो, अगर दोनों प्रेजेंट हैं, दो तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो एक लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। और हमेशा जो गैमीट होता है उसको एक सर्कल के अंदर बंद किया जाता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बने हैं, गैमीट्स। अब ये गैमीट्स बनने के बाद में इन दोनों का क्या हुआ है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद में जो F1 प्रोजेनी बनी वो क्या बनी, इधर से कैपिटल टी आया, इधर से स्मॉल टी आया, और इसने बनाए सारे के सारे पेड़ कैसे, टॉल प्लांट। कैसे बनाए, टॉल प्लांट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि F1 प्रोजेनी में ये क्या है, F1 क्यों, क्योंकि सबसे पहली प्रोजेनी है, F1 जनरेशन, ठीक है, सबसे पहली जनरेशन बनी है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि F1 में जितने भी हमें पेड़ मिले हैं वो सबके सब कैसे मिले हैं, टॉल पेड़ मिले हैं, सारे के सारे टॉल पेड़ ही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें शॉर्ट हाइट हमें शो करी हो, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इस वाले कैरेक्टर को ही उठा के दोबारा से इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करा दी। सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि इसी की क्रॉसिंग इसी की तरह बिल्कुल, मतलब सेम ऐसा ही दूसरा पेरेंट लिया और इन दोनों के आपस में क्रॉसिंग करा दी। जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर, यहाँ पे इसके पास टॉल कैरेक्टर है, इसके पास डॉर्फ कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों ही टॉल कैरेक्टर्स लिए हैं, तो इसलिए क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन की, खुद की खुदी के साथ में क्या करा दी, सेम सेम की क्रॉसिंग करा दी। अब जब यहाँ पे आप क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास में गैमीट्स बने, आपके पास में गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अब इन गैमीट्स को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि आपको चार प्रोजेनी मिली है, चार प्रोजेनी में तीन प्रोजेनी ऐसी हैं जिन्होंने टॉल कैरेक्टर शो किया है और सिर्फ एक ऐसी है जिसने डॉर्फ या शॉर्ट कैरेक्टर शो किया है, ठीक है। तो चार प्रोजेनी है जिन्होंने बड़ा कैरेक्टर, सॉरी तीन, एक सेकेंड, तीन प्रोजेनी है जिन्होंने टॉल कैरेक्टर दिखाया और एक प्रोजेनी है जिसने डॉर्फ कैरेक्टर दिखाया है, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की थी, और ये जो यहाँ पे आपकी क्रॉसिंग हुई है इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। यही इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कि जब मेंडल ने क्रॉस कराया था, ठीक है, क्रॉस कराया एक टॉल पी प्लांट को एक शॉर्ट पी प्लांट के साथ में, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि F1 प्रोजेनी जितनी भी मिली है वो सबकी सब टॉल है, सब लंबी है। जब उन्होंने इन F1 प्रोजेनी को दोबारा से सेल्फ क्रॉस कराया सेकंड केस में, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि F2 प्रोजेनी में सारी की सारी टॉल नहीं है, एक जो प्रोजेनी उन्हें मिली है वो डॉर्फ भी है, वो शॉर्ट भी है, इसलिए वहां पे जो उन्हें रेशियो मिला वो 3:1 मिला, मतलब तीन बड़ी मिली और एक छोटी मिली। इससे ये पता चला कि जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, टॉलनेस का और शॉर्टनेस का, वो दोनों ही F1 प्लांट से इनहेरिट हुए हैं, मतलब जो F1 पेरेंट है उससे दोनों ही कैरेक्टर बच्चों में इनहेरिट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली टॉल कैरेक्टर ही इनहेरिट हुआ है, क्योंकि अगर खाली टॉल कैरेक्टर ही बच्चों में जाता तो फिर तो यहाँ पे भी चारों के चारों बच्चे जो है वो टॉल होने चाहिए थे, बट यहाँ पे ऐसा केस तो आया नहीं है देखने के लिए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो
आपके ये प्लांट थे जो F1 जनरेशन में आपको मिले हैं, वहां से दोनों के दोनों जो टॉलनेस है और शॉर्टनेस है, दोनों ही कैरेक्टर ट्रेट जो है वो इनहेरिट हुए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने प्रपोज किया कि आपकी किसी भी जीन को, मतलब कि कोई भी जो जीन होती है जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन में, ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। ऑफ कोर्स आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि आईज का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा, आपकी स्किन टोन कैसी होगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में ही प्रेजेंट होती है और जीन्स ही जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है। तो ये इसलिए जीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर हम ये कहें कि जीन्स ही होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स में कंट्रोल करते हैं, यानी कि ट्रेट्स को लेकर जाते हैं, कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। इसको एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, एक सेकेंड में इसको पहले इरेज करती हूँ फिर यहां पर समझाती हूँ। तो डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब है जो डोमिनेट करे, जो अपने आगे किसी को ना टिकने दे। जैसे कि एक पावरफुल व्यक्ति है और एक कोई वीक स्टूडेंट है, उन दोनों में फाइट हो जाए तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा स्ट्रांग है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो उस बैटल को जीत जाएगा, लेकिन जो वीक है वो नहीं जीत पाएगा। तो जो उसमें जो जीत गया है, जो स्ट्रांग पर्सन है, वो डोमिनेंट हुआ, और जो हार गया, जो नहीं टिक पाया उसके आगे, वो रिसेसिव हुआ, यानी कि वीक पर्सन हुआ। तो डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को शो करेगा, अपने आप को दिखाएगा ही दिखाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है उसके साथ में क्या प्रेजेंट है या क्या है क्या नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो अपने आप को हर हाल में दिखाएगा वहां पे। जबकि रिसेसिव के केस में उल्टा होता है। रिसेसिव के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी इसके साथ में डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो अपने आप को दिखाएगा ही नहीं, वो अपने आप को छुपा लेगा, बचने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये टॉल प्लांट का था कैपिटल टी और ये स्मॉल प्लांट का था स्मॉल टी, अगर कभी भी ये दोनों ऐसे साथ में प्रेजेंट होंगे तो जो डोमिनेंट वाला है ये इसको दबा देगा, ठीक है, इसको दबा देगा, इसको शो ही नहीं होने देगा। अब इसको शो नहीं होने देगा तो ये क्या बन जाएगा, डोमिनेंट, और ये क्योंकि इससे डर जाएगा, इसके सामने नहीं शो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को शो कर सके, रिसेसिव मतलब जो अपने आप को शो ना कर सके, तो वो होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट। एक और चीज होती है, जैसे कि अभी हमने निकाला 3:1 आया था, एक रेशियो निकाला था हमने 3:1, जिसमें हमारे पास में थे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये चार हमारे पास में बन के आए थे अभी जब हमने F2 प्रोजेनी निकाली थी। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने तीन थे ये टॉल थे और एक जो था वो डार्क था। इस तरह के रेशो को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक क्यों, क्योंकि हम खाली फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हम इस पेड़ को बाहर से देख रहे हैं तो ये हमें लंबा दिखाई दे रहा है या छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, हम फिजिकली उसको देख रहे हैं, सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं कि बाहर से कैसा दिख रहा है वो। हम ये नहीं देख रहे कि कौन से जीन्स थे जिन्होंने इस पेड़ को ऐसा बना दिया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। तो जब हम लोग सिर्फ बाहर बाहर से कोई भी चीज देखते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं, तब उसको फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पे फिनोटिपिक 3:1 इसलिए आया क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा कि कितने पेड़ बड़े हैं कितने पेड़ छोटे हैं। तीन पेड़ बड़े थे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन होगी कि एक कैपिटल और एक स्मॉल साथ में होंगे तो जो कैपिटल है वही अपने आप को शो करेगा। तो यहाँ पे भी यही होगा, टॉल, यहाँ पे भी टॉल होगा, यहाँ पे भी टॉल होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 आया। कि एक ही कंडीशन है जिसमें डॉर्फ दिखेगा, इसलिए यहाँ पे 1 आया। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक में क्या होता है, जब आप जीन्स के बारे में देखते हो कि ये आया तो आया लेकिन इसको किसने बनाया, कौन से जीन्स थे जिसने, जिनके कॉम्बिनेशन से ये कैरेक्टर आया है दिखाई, मतलब जिसकी वजह से ये कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिला है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि इस वाले केस में कैपिटल टी ने मिलकर आपका एक टॉल कैरेक्टर बनाया है। सेकंड केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उन दोनों ने मिलकर आपका एक टॉल कैरेक्टर बनाया है। यहाँ पे भी सेम है, तो सेम सेम दो जगह लिखने से अच्छा है हम उसके नीचे नंबर्स डाल दें कि वो कितनी बार है, ठीक है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये 2 बार है, ये वाला सिर्फ 1 ही बार है। अब थर्ड है आपका स्मॉल टी, ये भी 1 ही बार है। तो आपका इससे पता चला कि जो जीनोटिपिक रेशियो है, जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, वो 3 तरह से बन रहे हैं और वो किस रेशियो में है, 1:2:1।
आप दोनों में ही जब काउंट करोगे तो यहाँ पे भी टोटल फोर ही ऑफ स्प्रिंग्स हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पे भी टोटल फोर ही हैं, 2 + 1 + 1 4, तो टोटल कितने प्रोजेनी बने, 4 प्रोजेनी। हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब होता है, जब आप एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हो तो सिर्फ आपको कितने प्रोजेनी मिलते हैं, 4 प्रोजेनी, ठीक है, सिर्फ 4 ही प्रोजेनीज मिलते हैं। और मेल्स के केस में क्या होता है, जो मेल के केस में एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन एक अंतर होता है मेल्स के केस में, वो क्या होता है, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें मेल के केस में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए जो नंबर ऑफ जीन्स है वो भी वेरी करते हैं। जैसे कि एक्स क्रोमोसोम क्योंकि बड़ा है तो इसमें जो नंबर ऑफ जीन्स है वो भी ज्यादा लाई करते हैं, जैसे कि 900 जीन के अप्रोक्स, जबकि वाई जीन में जो वाई क्रोमोसोम है इसमें सिर्फ 55 जीन के अप्रोक्स जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वाई क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम के साइज का 1/3 होता है, 1/3 भाग होता है उसका, ठीक है। ये तो अभी आपके लिए इतना ही काफी है जानना कि इनके जो साइज होता है उसमें वेरिएशंस होती है, छोटा बड़ा होता है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, और क्वेश्चन 4 थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी कल हम लोग इसको कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। आई होप ये तीन क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हो, और साथ में कुछ फिनोमिना जो मैंने बताए हैं वो भी आपको समझ में आए हो। एक और चीज मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, क्रॉसिंग में बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि क्रॉस करते कैसे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे गैमीट्स कैसे बनेंगे, दो तरीके होते हैं, एक पहले तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो यहाँ पे आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको दिख रहा है सिर्फ दो ही दो है, ठीक है, दो ही कैरेक्टर इसके हैं, दो ही कैरेक्टर इसके हैं। अब आपको पता है एक मेल होता है एक फीमेल होती है, तो यहाँ पे अगर मैं फीमेल के दो कैरेक्टर लिख रही हूँ तो यहाँ पे बचे हुए मेल के दो कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्या करो सिंपल, एक पेरेंट 1 मान लिया, एक पेरेंट 2 मान लिया, इस पेरेंट के दोनों कैरेक्टर्स एक साइड लिखो, इस पेरेंट के दोनों कैरेक्टर एक साइड लिखो। तो मान लो मैंने ये वाली जो लाइन है इसको मेल कैरेक्टर लिया है और नीचे लिखे हैं फीमेल कैरेक्टर, ये सिंबल होते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब आप इन दोनों की क्रॉसिंग कैसे करते हैं, इसको मैं नंबर दे देती हूँ 1 2, और यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकली इन्हें असाइन कर देती हूँ रोमन नंबर, अल्फाबेटिकली नहीं, आई मीन रोमन नंबर असाइन करती हूँ। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में आएगा 1i, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई कर दो i में, तो t की मल्टीप्लाई t में करोगे तो क्या बना, tt। सेकेंड केस में क्या होता है, 1 की मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड से, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आएगा, टी एंड टी। थर्ड वाले ब्लॉक में क्या करो, सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट में आई में, तो यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। लास्ट ब्लॉक में क्या करना है, सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से, क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये इस तरीके से क्रॉसिंग की जाती है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और एक बार हम लोग कल डायहाइब्रिड क्रॉस भी देखेंगे किस तरीके से होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप इसको लाइक करो, सेशन को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, उन्हें भी बताओ इसके बारे में, और साथ में आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी कमेंट करके बताओ, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।